मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बहुत दूर यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। हम आज दो धाम में जाने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर यात्रा आपको दिखने के लिए मिलेगी और बहुत सुंदर मंदिर के दर्शन होने वाले हैं आज आपको। और हम जा रहे हैं शीश महल के, दो गाड़ी तो कितने 12 गाड़ी जा रही है, 12 बस जा रही है यहाँ से। तो 12 बस में हम लोग सारे शीश महल की लेडीजें, आज ब्यूटीफुल सी लेडीजें जा रही हैं सफर पर। और बहुत दूर की यात्रा है हमारी। पहले हम जाएंगे गर्जिया धाम, उसके बाद हम जाएंगे हनुमान धाम रामनगर। तो बहुत सुंदर दर्शन आपको होने वाले हैं। नेशनल गार्डन जंगल के रास्ते ही हम जाने वाले हैं, तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो एक गाड़ी हमारी ये है, मैं तो इसमें हूँ, भाभी तुम भी इसी में हो? हाँ, हम भी इसी में, तो ये भी इसी में है। और एक बस हमारी ये है, तो ये दो बस हमारे शीश महल की है। जय माता दी, जय माता दी। आ कितनी दूर से आ रहे हो बताओ? आगे सीट नहीं मिली, हम शीश महल से आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ हमारे सब शीश महल वाले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो, जय माता दी। और कुछ बोलना चाहोगे बोलो फटाफट। जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय। तो दोस्तों हम निकलने वाले हैं अपनी बहुत सी बहुत अच्छी खूबसूरत यात्रा पर, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं। और मैं बैठी हूँ चाची के साथ, चाची ने मुझे अपने साथ बैठा लिया। अरे सुनो, बात सुन रहे थे, शांत हो जाओ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और यहाँ पर रुके हैं सब लोग। चाची भी है यहाँ पर देखो, और मेरा काना। अभी सभी बसें यहाँ पर रुकी हुई हैं, सब लोगों को यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए रोक रखा है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देखिए पूरा जंगल है। सागौन के वृक्ष देखिए आप लोग, कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं यहाँ पर, बहुत घना घना जंगल है। तो बहुत मस्त लोकेशन में रुके हुए हैं, अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे को। अभी तक तो तुमको उल्टी हो रही थी, उल्टी आ गई है, अब उल्टी हो गई है, अबे तुम छाव है कि चल ला ला, उल्टी आ गई है। हमारी दीदी है, बड़ी मुश्किल से आता नहीं आती नहीं, ये सब हमारे कॉलोनी वाले सब देखो, और ये भी हैं हमारे, तो मेरे साथी हैं स्कूल से, साथी स्कूल से, स्कूल के हां, क्यों एक ही क्लास में हैं आप, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। और अभी यहाँ पर बस रुकी हुई है, उसके बाद हम निकलेंगे आगे को। तो आगे की यात्रा में आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत सारे लोग हैं, 15 बस आई है वहाँ से, 11 बोला
कुछ बोल बहन में फोटो चेली अपना वो बना रहे हैं, गाड़ी चलने वाली है, मंदिर को जा रहे हैं हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। आज दर्शन माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, हनुमान जी के फिर हनुमान धाम भी जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ के बाद फिर हम हल्द्वानी को बैग होंगे शाम को मतलब ये है कि टाइम लगेगा। अभी हमारे वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हम गढ़िया मंदिर में, फिर हनुमान धाम में फिर हम पाठ करेंगे, उसके बाद तब हम सायं 5-5:30 बजे तक भंडारा होगा। भंडारा भी है वहाँ पर, भंडारा भी है, सभी लोगों की यहाँ पर व्यवस्था करी हुई है। 15 बस है तो 15 बस में कितने लोग होंगे आप समझ सकते हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर करी हुई है। तो आगे बने रहना हमारे साथ हमारी यात्रा में। और ये भी है, मैं तो जानती हूँ मैं भी नहीं जानती, चलो कोई बात नहीं ब्लॉग में देख लेना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हमारे साथ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं धाम में, गर्जा देवी धाम में, और यहाँ पर हम बस से उतर गए हैं और अब कर रहे हैं हम आगे की यात्रा शुरू, पैदल यात्रा। तो बहुत सारे लोग हैं और काफी लंबी यात्रा है हमारी, तो आगे जाके मंदिर जाके आपको दिखाते हैं। पहचाने बिन जा रहे कौन है क्या है, कौन है पहचाने बिन। तो यहाँ से हमने माता रानी के मंदिर के लिए प्रसाद ले लिया है सभी भक्तजनों ने, आप देख सकते हैं सब प्रसाद वगैरह यहाँ सब व्यवस्था है, चूड़ी बिंदी जो भी लेना है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गर्जा माँ के दरबार में, बस मंदिर सामने से आपको दिख रहा होगा और बहुत ही सुंदर दर्शन आपको, जय माता रानी को होने वाले। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके थे गिरजा धाम, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ पर, और दोनों साइड से नदी बहती है और बीच में जो है माता रानी का जो भव्य मंदिर है, विशाल चोटी के ऊपर मंदिर है, और कहते हैं कि ये मंदिर ना कहीं से बह के आया हुआ है और बीच जो नदी है वहाँ पर जो है ये रुक गया था। जय माँ गिरजा देवी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये टापू में मंदिर है बीच नदी के बीच में, और ये इधर उधर से पूरी नदी है देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में और लाइन लगा रखी हमने, देखिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं सभी लोग हमारे, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, दर्शन करने वाले हैं थोड़ी देर में, और बहुत ऊपर चढ़ाई करनी है आगे से, ये टॉप में चढ़ना है, माता रानी के दर्शनों के लिए खड़े हैं सब लाइन में। जोड़ दियो तुम, ओ यो तुम्हारे दर्शन है बेटे हजार, इनको ऐसी ठहरी ऐसी कदम रखते हैं मंदिर जाने में, बहुत टाइम लगता होगा। हमारे तो अलग लाइन बनती है ना आर्मी वालों की। आवा आवा ऐसे
ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग को चढ़ रहे होंगे। वाह वाह हीटा ऐसा लग रहा है स्वर्ग को जा रहे होंगे हम, ऊपर को सीधे स्वर्ग सीढ़ी। एक तरफ से आने वाले एक तरफ से जाने वाले। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बच्चों को आराम से लेना। अरे उतरते रहो बेटा, नीचे उतरो बच्चों, नीचे उतरो, जाम मत लगाओ, चलते रहो धीरे धीरे। सही पकड़े हैं, आज मंदिर दुर्गा मंदिर में आए हैं और जय हो माता दी की, बाकी हमको कुछ बोलना आता नहीं है। सही पकड़े हैं बोल देंगे, सही पकड़े हैं। मंदिर आने के दर्शन ना। हाँ जी, मीठा फल मिला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोस्तों अभी दर्शन करके हम लोग वापस आ गए हैं और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन और यहाँ पर ये नदी है। बरसात में ये नदी जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है तो यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आजकल बहुत अच्छे दर्शन अच्छे से हो जा रहे हैं। दोस्तों अभी वापसी कर रहे हैं घर को और यहाँ पर देखिए बिल्कुल कल 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 छल 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 नदी बहती हुई। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। चाची बोले मेरे को भी ले लो। हाँ चाची, हाँ बहुत अच्छे से दर्शन हो गए ना। माता वो भी है हमारे कॉलोनी के। हेलो, जय माता। तो दोस्तों अभी हमको एक धाम और जाना है, हनुमान धाम मंदिर। वो ब्लॉग आपको दूसरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये लंबा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको यहीं पे एंड करूंगी। और आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो अगली वीडियो में आपको हनुमान धाम के दर्शन कराऊंगी। तो अभी हम ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी मैं। तो मिलते हैं हनुमान धाम वाले मंदिर पे, तब तक के लिए बाय बाय। आप रामनगर के नेशनल कॉर्बेट पार्क में आते हैं तो ज़रूर यहाँ भी आइए। बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। दोनों तरफ से नदी बहती है और बीच में माता रानी का दरबार है। अच्छे दर्शन यहाँ पर आपको करने के लिए मिलेंगे। आप जरूर आइएगा यहाँ पर।